दोस्तों, हम में से ज़्यादातर ने पबजी, फ्री फायर या कॉल ऑफ ड्यूटी तो जरूर देखी या खेली होगी, जिसमें छोटी और बड़ी बंदूकों से एनिमीज को मारा भी होगा। बट रियल लाइफ में, रियल दुनिया में, दुनिया की सबसे छोटी और दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक आखिर कैसी है, ये देखेंगे आज हम इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की सबसे छोटी बंदूक के बारे में, जो इतनी छोटी है कि आप उसे दो हाथ से नहीं, एक हाथ से नहीं, सिर्फ तीन उंगली से उठा सकते हो। जी हाँ, इस बंदूक का नाम है स्विस मिनी गन, जो स्विट्जरलैंड में बनी है और जिस इसको बनाने वाली कंपनी का नाम भी स्विस मिनी गन है, जो सिर्फ 19 ग्राम की है। अमेरिका और बाकी कंट्रीज ने इसके ऊपर, इसके आयात के ऊपर बैन लगा रखा है, वो भी सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि ये इतनी छोटी है कि कोई भी इसे कैरी कर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इसके आयात पर बैन है। पर क्या इस 19 ग्राम वजनी एक छोटी सी बंदूक से किसी व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है? वेल, वेपन एक्सपर्ट स्टीवन हॉवर्ड का कहना है कि ये बंदूक एक नॉर्मल बंदूक जितनी ही पावर रखती है, जिससे कि इस बंदूक से भी उतना ही जान को खतरा हो सकता है जितना कि एक नॉर्मल गन से होता है। इस टॉय जैसी दिखने वाली बंदूक की कीमत आखिर कितनी होगी? वेल, दोस्तों, इसकी कीमत है 6,300 स्विस फ्रेंच, जो कि इंडियन रुपीस में बनते हैं 5,15,159 रुपये। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक के बारे में, जिसको उठाने के लिए आपको दो लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, जिसका नाम है द पॉइंट गन, जो बेसिकली एक शूट गन थी जो 19 और 20वीं शताब्दी में अमेरिका में और उसके आसपास की कंट्रीज में उपयोग में लाई जाती थी। इंटरेस्टिंगली, इस बंदूक को एक बोट पर रख के चलाया जाता था, जिस बोट को बोलते हैं पॉइंट, जिससे इस बंदूक का नाम पड़ा द पॉइंट गन। दोस्तों, इनका मेन काम, इनका मुख्य काम इन बंदूकों का ये था कि इससे जो पानी में जो बतख पाई जाती है उनका शिकार किया जाता था, और इनका शिकार इस हद तक होने लगा कि 1860 तक आते आते यूएस के कई स्टेट ने इन बंदूकों के ऊपर पाबंदी लगा दी। 1995 के सर्वे में ये पाया गया कि 50 बंदूकें, 50 पॉइंट गन अभी भी एक्टिव है, यानी कि उनका प्रयोग अभी भी किया जा सकता है। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे लाइक, शेयर, कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छी ना भी लगे तो भी मुझे कमेंट करके मुझे मेरी गलतियां बताएं।